एवरीवन, तो आज हम करने वाले अरिहंत की ऑब्जेक्टिव फिजिक्स बुक बाय डीसी पांडे सर, जो आपकी 2 वॉल्यूम सेट की सीरीज आती है, इसका आज हम कंप्लीट रिव्यू कर रहे होंगे। पर्सनली मेरे टाइम पे तो मैंने ये बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं की थी, लेकिन अब मैंने जब इस बुक को देखा तो इसके मुझे कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटिंग फीचर्स लगे, जो कि ये मुझे बुक काफी ज्यादा पर्सनली अब अच्छी लगी है। उसके क्या रीजन है आज मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। इस बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलता है सारा आपको A to Z पता चल रहा होगा, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली एज द नेम सेज, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है, आप JEE की तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी। तो यूनिट 1 में जो आपका वॉल्यूम 1 में आपको सारे 11th के चैप्टर्स देखने को मिलते हैं पूरे डिटेल में, एंड जो यूनिट 2 है उसमें आपको 12th के सारे चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। अगर चैप्टर की थ्योरी की बात करें तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके फॉर एग्जाम्पल मोशन इन 1D के चैप्टर का दिखाता हूँ। तो इन्होंने सबसे पहले तो आपका पूरा डिटेल में थ्योरी आपको समझाई होती है। बेसिकली मैं कहूँगा कि सेंगेज या फिजिक्स गैलेक्सी जितनी डिटेल तो नहीं है, लेकिन आपको एक डिसेंट सी डिटेल देखने को मिल जाती है कि अगर आपने कहीं कोचिंग वगैरह में पहले पढ़ा हुआ है तो आप इससे फिर समझ सकते हैं उसके बाद, अगर आपने कोई वीडियो ऑलरेडी देखी हुई है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपको हर चैप्टर में रफली अराउंड 40 to 50 एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं। मोशन इन 1D चैप्टर के फॉर एग्जाम्पल इन्होंने आपको 29 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, क्योंकि रिलेटिवली थोड़ा छोटा चैप्टर हो गया, इन्होंने टॉपिक्स को हमें डिवाइड कर दिया, इसलिए अराउंड 30 एग्जाम्पल्स है। फिर आपको देखने को मिलती है चैप्टर समरी, जो कि 1 से 2 पेज में आपको कंप्लीट सारे फॉर्मुलाज का रिविजन दे देती है कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा हुआ है। एंड देन आपको देखने को मिलते हैं एडिशनल एग्जाम्पल्स। एडिशनल एग्जाम्पल्स के लेवल की बात की जाए तो ये अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हैं कि JEE मेन्स लेवल के क्वेश्चन है, JEE एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको इसमें ज्यादा नहीं देखने को मिलते हैं। फिर आपके सिलेक्टेड NCERT क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जो कि थोड़े से आपके JEE से रेलिवेंट NCERT के क्वेश्चन है, वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। मुझे पर्सनली ये इस बुक की थोड़ी सी बेटर चीज लगी बाकी बुक से, क्योंकि NCERT की कवरेज भी आपको अलग से नहीं करनी पड़ती, आपके इसी में ही हो जाती है। उसके बाद बात की जाए तो आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव लेवल क्वेश्चंस, लेवल 1 जो होते हैं। इसमें आपको मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि JEE मेंस और जो आपका NCERT लेवल है वो कवर अप इन्होंने मोस्टली किया होता है। इसमें जो है आपको JEE मेंस के भी आप मान सकते हैं कि आजकल जैसे पेपर आ रहे हैं बिल्कुल उसी लेवल की आपको देखने को मिलते हैं। पहले जैसे फिजिक्स थोड़ी सी बीच में 1-2 सालों में डिफिकल्ट आई है, तो डिफिकल्ट वाले JEE मेंस के क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को नहीं मिलते हैं बहुत ज्यादा। फिर होते हैं लेवल 2 क्वेश्चंस। आपके लेवल 2 क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऑलमोस्ट आपको JEE एडवांस के बिल्कुल एक्यूरेट लेवल के देखने को मिलते हैं, जैसे आपके फाइनल JEE एडवांस में आने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चंस की लेंथ भी वही होती है, एंड अगर क्वेश्चंस के वैरायटी की बात की जाए तो आपको इसमें वो ऑलमोस्ट सारी वैरायटीज देखने को मिलती है, सिंगल करेक्ट, मोर देन 1 करेक्ट, मैचिंग टाइप क्वेश्चंस, आपके जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस है आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिर आपको दी होती है एंट्रेंस गैलरी की, बेसिकली आपके प्रीवियस JEE एडवांस में इस चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चंस आपके ईयर वाइज पूछे गए हैं, तो वो आपको देखने को मिल जाते हैं JEE मेंस, JEE एडवांस और जो AAM CET के स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं उसके भी आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलती है आंसर की, एंड देन आपको पता चलते हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस की बात करें तो आपको एक डिसेंट से डिटेल में सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्ड भी नहीं है लेकिन सफिशिएंट होते हैं कि मतलब अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है तो आप इनके सॉल्यूशंस को इजीली देख के समझ सकते हैं। सिमिलरली आपके पूरी 11th और 12th के चैप्टर्स इसमें कवर्ड होते हैं। प्राइसिंग की बात की जाए तो ये पूरा सेट जो है आपको रफली 1500 के अराउंड कॉस्ट करते हैं, लेकिन अगर आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से खरीदते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे दिए लिंक से इसे खरीद सकते हैं। बाकी और आपको कौन से बुक्स के रिव्यू चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए टिप्स तो आपको हमारे चैनल पर मिलती ही रहती है। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।